विगत चार वर्षों में बरेली पुलिस के सराहनीय कार्यों को लेकर एडीजी बरेली जोन अविनाश चंद्र ने उनकी उपलब्धियां गिनाई हैं। इस मौके पर उन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, किस तरह से चार सालों में अपराध की कमर तोड़ दी गई इसकी जानकारी दी, साथ ही सोशल मीडिया के जरिए किस तरह लोगों को समस्या से निजात दिलाई। इसके साथ ही लॉकडाउन के समय पुलिस द्वारा लोगों की मदद की गई उस पर भी चर्चा की गई। वही होली और सदेवा रात एक ही दिन पड़ने पर क्या व्यवस्था की, इस पर प्रकाश डाला। शुरू आपने करने जा रहे हैं, वो क्या व्यवस्था है और होली को लेकर सुरक्षा के क्या पैमाने तय किए जा रहे हैं? इस बार होली सुपर सेंसिटिव है क्योंकि पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है, होली भी है और मुस्लिम का भी त्यौहार है, तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके लिए पुलिस ने विशेष तैयारी भी कर रखी है। अन्य जो तैयारी हम लोग हर साल करते हैं, कस्टमरी त्यौहारी की त्यौहार रजिस्टर का अध्ययन करना, उसके आधार पे लोगों को पाबंद करना, हर मोहल्ले गांव जाके विजिट करना, ग्राम समितियों की बैठक करना, पीस कमेटी की, वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। उसके साथ साथ ये भी हमने निर्देश दिया है और उस पर अमल भी हो रहा है कि पिछले दो वर्षों में जो पुलिसकर्मी जिस भी पद पर उस थाने पर तैनात थे उनसे वर्तमान में तैनात के लोग बातचीत करेंगे और किसी भी इवेंट को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो भी चैलेंजेस उस समय आए थे वो उनसे पता करेंगे और उन लोगों को प्रॉपरली अटेंड कर लेंगे, जिससे इस बार उन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। दूसरी व्यवस्था की गई है कि यूपी 112 पे बहुत सारे इवेंट जनरेट होते हैं मारपीट करके फौजदारी के, तो होली के दिन जो इवेंट जनरेट हुए हैं, दो दिन पहले जो जनरेट हुए हैं, दो दिन बाद जो जनरेट हुए हैं, उन पाँच दिन का इवेंट जो जनरेशन हुआ है उसको रिविजिट करेंगे, दोनों पक्षों को बुला करके उनको समझाया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि पंचायत चुनाव की भी तैयारी चल रही है, वैमनस्यता परिलक्षित हो रही है, फौजदारियाँ भी हो रही हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको प्रिवेंटिव डिटेन करेंगे और उनको थाने पर ही रखा जाएगा, उनकी होली थाने पर मनवाई जाएगी। ये निर्देश बहुत ही सख्ती के साथ दिए गए हैं। सर, इसको उन्हीं शब्दों में बता दीजिए जैसे आपने बताया था, इसमें ऐसा लग रहा है दोनों पक्षों को लाकर नजरबंद कर दिया जाएगा। आपने जैसे बताया ना, दोनों को वहीं पर बुलाएंगे, उनकी होली वहीं मनाएंगे।